है एनबीएफसीज पर दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। हमारे साथ हमारी फंडामेंटल एक्सपर्ट शर्मिला जोशी भी जुड़ी हैं। गुड मॉर्निंग शर्मिला, शुरुआत एनबीएफसीज से ही कर लेते हैं। दो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, एक जेपी मॉर्गन की तरफ से, एक एचएसबीसी। एनबीएफसी सेक्टर की लोन ग्रोथ जो है एक तो ऊंचाई पर है, बैंक से बेहतर प्रदर्शन नजर आ रहा है और वैल्यूएशन जो है इस वक्त काफी रैशनल है, ये कहना है इन रिपोर्ट्स का क्रक्स ये है। और कुछ स्टॉक्स जिनका जिक्र किया गया है पसंदीदा शेयरों की सूची में एनबीएफसी कैटेगरी में बजाज फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस जैसे स्टॉक्स हैं। अगले 3 सालों तक के रिटर्न्स के एंटिसिपेशन भी यहां पर है। एनबीएफसी को आप कैसे देखती हैं शर्मिला? अच्छा, शर्मिला के साथ कुछ टेक्निकल ग्लिच है, उनसे वापस एक बार जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच मितेश बात कर रहे थे एनबीएफसी की। मितेश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप भी काफी बुलिश हैं एनबीएफसी पर और ये रिपोर्ट्स देखिए दो आ गई हैं जिसमें बजाज फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, चोला इन्वेस्टमेंट, एलएनटी फाइनेंस, इन सारे स्टॉक्स का जिक्र किया गया। आप स्टॉक पिकिंग करके बताएं कौन से स्टॉक्स पर आपकी नजर है। डेफिनेटली मानसी जी, देखिए जब बजार ऑल टाइम हाई पर होता है तो बोरिंग सेक्टर ही सरफेस के ऊपर आते हैं और ऐसे ही बोरिंग सेक्टर एनबीएफसी है क्योंकि बहुत ही एक लंबी अवधि के बाद जो है वो स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक है अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को ब्रेक करके आए हैं। तो इसमें आई थिंक पिकिंग ऑर्डर्स में एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है क्योंकि बहुत टाइम के बाद उसने जो उसका इमीडिएट हर्डल था 113.40 का, जो 31 मार्च 2021 के क्वार्टरली हाई था वो क्रॉस किया है। तो हमारे हिसाब से अभी जो नेक्स्ट टारगेट उसका आना चाहिए वो आना चाहिए 145 और 176। तो एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग जो है वो हमारा तो प्रिफर्ड पिक है ये सेगमेंट में। दूसरा मतलब पूरा फाइनेंस, उसमें भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बाइंग पैटर्न देखने के लिए मिली है वीकली चार्ट के ऊपर। फिलहाल इमीडिएट रेजिस्टेंस जो था वो क्रॉस हो चुका क्योंकि मल्टीपल हाईस थे 126 130 के बैंड में, वो सक्सेसफुली जो स्टॉक है वो गोइंग फॉरवर्ड क्रॉस करेगा और अल्टीमेटली अपनी नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होगा जहां पे टारगेट बैठेगा 175 का। तो हमारे हिसाब से पिकिंग मॉडल में एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग और मणप्पुरम फाइनेंस ये दो टेक्निकली पिक है जो सिस्टम और मेथड ने एडवोकेट किया है। गोइंग फॉरवर्ड इसमें एक अच्छा सा ट्रेंड अनफोल्ड होगा। ठीक है, एलएनटी फाइनेंस ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। पिछले हफ्ते इसमें लगभग 15-16% का मूव आया भी था और ये अभी आपके रडार पर भी आ रहा है मितेश। ठीक है, एनबीएफसी इसमें भी अच्छी मूव है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में भी अच्छी मूव है और रडार पर रखें आप एलएनटी फाइनेंस को। लेकिन इस बीच लास्ट वीक हमने देखा एचईजी और ग्रेफाइट, इस पर भी अच्छी खासी मूव थी या एक बड़ी रिपोर्ट आई थी और ये बात की जा रही थी कि जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं इनकी डिमांड सस्टेन करेगी क्योंकि स्टील कंपनियां कहीं ना कहीं एनवायरमेंट फ्रेंडली सोल्यूशन ढूंढ रही हैं और इस रिपोर्ट के चलते इनकी डिमांड सस्टेन करेगी, ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छी कर रहे हैं और बाइंग थर्सडे तक कल लगातार आपको दिखी एचईजी और ग्रेफाइट पर। शुक्रवार को थोड़े से प्रॉफिट्स बुक हुए हैं लेकिन बहुत माइनर।